टू वोट। सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है। कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है। मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है। मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए। सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे। पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी। बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है। वोटिंग के 3 चरण हैं। सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा। आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है। दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाई हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा, आपका सीरियल नंबर डालेगा, मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा, आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा, फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे। मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा। आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे। याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। आप EVM VVPAT यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस।